Hey guys, मैं नवनीत और आज के इस वीडियो में Samsung lovers users के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि Samsung जो है अपना एक नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जो कि है Samsung Galaxy M51। अब ये स्मार्टफोन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे Samsung ने काफी कुछ नए चेंजेस किए हैं जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल से नेसेसरी हो जाता है। आज से पहले अगर मैं बात करूँ तो Samsung के स्मार्टफोन्स तो आते थे, बट वहाँ पे कुछ ऐसी कमियां दिखने को मिल जाती थी जिसकी वजह से Samsung के अदर यूजर्स जो होते थे, जो कि Samsung लवर नहीं होते थे, तो उनको ये कुछ खासा पसंद नहीं आता था। बट अब मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद में कुछ अच्छी खासी पकड़ Samsung मार्केट में बना पाएगा। तो गाइस जल्दी से मैं आपको इसके कुछ लीक्स निकल के आए हैं सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ नजर डालते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है वो मिलता है 6.5 इंचेस का, जो कि काफी लार्ज डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको इस्तेमाल किया गया है सुपर एमोलेड पैनल का। यहाँ पे गाइस आपको जो डिस्प्ले में आपको वही इन्फिनिटी ओ वाला यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है फ्रंट साइड में, जिसे Samsung ने यहाँ पे अपने रिसेंटली M31 सीरीज में लॉन्च करके दिखाया था आपको। तो गाइस सेम टू सेम आपको कुछ इसी तरह के लुक्स पे देखने को मिल जाएगा। बैक एंड पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका जो अगर मैं सबसे पहले कैमरा की बात करूँ तो रियर साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है सोनी के IMX782 वाले सेंसर के साथ में। यहाँ पे जो आपको सेकेंडरी कैमरा मिलता है आपको डेप्थ सेंसर के लिए, वो आपको 5 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे आपको वाइड एंगल शॉट्स लेने के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक काफ़ी सही चीज़ है आपके रियर कैमरा के लिए। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सेटअप्स के साथ में आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फी कैमरा के ऊपर में भी खासा ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि आपको काफ़ी अच्छे सेल्फीज भी निकाल करके दे देगा। ये स्मार्टफोन एक काफ़ी लार्ज बैटरी सेटअप्स के साथ आने वाला है, जो कि अब तक का एक पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम में ऐसा होता है हम लोग कहीं अगर ट्रैवल पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन इशू होता है वो स्मार्टफोन की बैटरी का ही होता है, जो आपके साथ निभाता है। तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो कि आपको काफ़ी अच्छा बैकअप भी ला करके दे देगी। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के साथ में आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के साथ में दिया जाएगा, जो कि आपके स्मार्टफोन को काफी जल्दी चार्ज भी कर देगा। और एक बार चार्ज करने के बाद में आपको बैकअप भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगर रैम की तरफ नजर डालते हैं तो गाइस ये एक अच्छी चीज है कि इस बार जो है इस स्मार्टफोन में जो आपको स्टार्टिंग वेरिएंट रैम होगा वो आपको देखने को मिलेगा 64 GB रोम के साथ में, और इसका जो एक्सटेंड वाला वेरियंट होगा वो आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा सीन यहाँ पे बन जाता है कि आपको काफी अच्छा सेटअप के साथ में ये स्मार्टफोन निकल सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात, अब जो यहाँ पे मेजर सेगमेंट की तरफ हम नजर डालते हैं, जो कि है इसका प्रोसेसर सेगमेंट। तो गाइस आपने फाइनली काफी टाइम से देख रखा था, जिससे मुझे भी डिसअपॉइंट होता था कि Samsung जो है काफी सारे अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च करते थे, प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा होता था उसका, बट वहां पे जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता था तो वही आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलता था, जो कि मैं सीधी बात में बोल सकता हूँ कि वो प्रोसेसर Samsung का सभी तरह के स्मार्टफोन्स में लैग करता है। अगर आप उसमें अगर आप गेमिंग टाइप की कोई भी वर्क करते हो या फिर गेम वगैरह प्ले करते हो या कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करते हो तो वो प्रोसेसर आपका लैग करता है, चाहे वो कितने अच्छा पावरफुल क्यों ना हो। बट इस बार गाइस यहां पे Samsung ने अपने M51 जैसे स्मार्टफोन में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपका स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में आएगा। तो लीक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन होगा ये आपको 730 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन के साथ आता है। सो गाइस इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2.2 GHz के दो कोर्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ 1.8 GHz के यहाँ पे आपको 6 कोर्स देखने को मिल जाते हैं इस प्रोसेसर में, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, चाहे आप गेमिंग करें या फिर आप किसी भी तरह का हार्ड वर्किंग करें। और साथ में बैक एंड से यहाँ पे आपको 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है इसकी स्टार्टिंग वेरियंट में, तो यहाँ पर लैग्स वगैरह का आपका कोई सीन निकल के सामने नहीं आता है।
ओवरऑल इस डिवाइस के अगर पैकेज की से हम बात करें तो एक काफ़ी कमाल का पैकेज निकल के सामने आता है। अब सबसे बड़ी बात, ये स्मार्टफोन जो है किस प्राइस रेंज के साथ में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बट गाइस अगर मैं यहाँ पे रूमर्स की तरफ नज़र डालता हूँ तो गाइस यहाँ पे पता चलता है कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में अप्रॉक्स 23,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलने वाला है। बट गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मेरा सवाल है कि अगर ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 के बजट सेगमेंट के अंदर आता तो ये काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन निकल के सामने आता और ये मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से किल कर सकता था। बट फिर भी अगर सैमसंग लवर्स के लिए ये स्मार्टफोन अगर एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी सही है, क्योंकि आज से पहले इस प्राइस रेंज के अंदर में सैमसंग ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की थी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ मिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो हो सकता है मे बी कि यहाँ पे जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको या तो फिजिकल नहीं देकर कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के साथ में अब ये आने की चांसेस है तो उम्मीद यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड पैनल भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको हो सकता है कि इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाए, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के साथ में अगर ये स्मार्टफोन आ रहा है उस स्मार्टफोन की प्राइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलना नेसेसरी हो जाता है। तो आई होप गाइस कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है इस स्मार्टफोन से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने का। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।